जोहार। किसान भाइयों, हम सभी होली का त्यौहार मना चुके हैं और आप जानते हैं कि जो होली का पर्व होता है ये साल के अंत का समय होता है और इसके बाद हम नए साल की शुरुआत करते हैं। तो नए साल में नई नई जानकारियों की शुरुआत करते हुए कृषि दर्शन का आज का अंक आप सबके लिए प्रस्तुत है। इसमें आप सभी का स्वागत है, हमने आपको नमस्कार किया और अब परतू और पर्वतिया हमारे साथ हैं। तो भाई, हम लोग आज और क्या चर्चा करने वाले हैं? जैसन कि रावरे अखन होली कर बात कर ली तो आप तो हमको बुझाया कि होली कर रंग भी उतरे लाइक हो भी। हाँ। और किसान मन चाहे कि आप खेत बटे बेसी ध्यान दे। हाँ, त्योहार कर तो अब मूड भी खत्म हो जाए। मूड भी खत्म होते और साथे साथे हमरे तो जाने लगे हमरे जे कार्यक्रम प्रस्तुत करे ला पहले हमरे कृषि कर संबंधित कृषि समाचार मंडी भाव और मौसम का जानकारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, नए साल की नई शुरुआत में देखते हैं कि इस समय आपके कृषि जगत में कहां कहां क्या क्या हो रहा है, क्या है उसकी खबरें कृषि समाचार में। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं दीप्ति रेखा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। औषधीय पौधों की जैविक खेती के लिए जैविक औषधीय मिशन की शुरुआत। मौसम खेती परामर्श सेवा द्वारा राज्य के किसान हो रहे हैं लाभान्वित। बेहतर रखरखाव से बढ़ता है उपकरणों की आयु। हम मनुष्य आए दिन किसी न किसी कारणवश बीमार पड़ते हैं और डॉक्टरों द्वारा दी गई दवा को खाकर ठीक होते हैं, परंतु आजकल आयुर्वेदिक इलाज का चलन बढ़ा है, जिस कारण अपने देश और विदेशों में भी आयुर्वेदिक औषधियों की मांग बढ़ी है। इन्हीं मांगों को देखते हुए राज्य में औषधीय पौधों की जैविक खेती के लिए जैविक औषधीय मिशन की शुरुआत की गई है। आजकल विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटियों द्वारा मानव रोगों का इलाज किया जा रहा है, इसलिए देसी और विदेशी बाजार में इन जड़ी बूटियों की मांग बढ़ने से औषधीय पौधों की खेती द्वारा कृषक अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के कृषकों को औषधीय पौधों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जैविक औषधीय मिशन की शुरुआत की गई है। घृत कुमारी, शतावर, कालमेघ जैसे औषधीय पौधों की खेती करने वाले कृषकों को इस योजना के तहत लाभ पहुंचाया जा रहा है। फसल उत्पादन यानी खेती बाड़ी काफी हद तक मौसम पर निर्भर करता है। यदि फसल के अनुरूप मौसम हो या कहें कि मौसम के अनुरूप फसल लगाई जाए तो निश्चित तौर पर उत्पादन अच्छी होगी। इन्हीं सब बातों को लेकर किसानों को सुविधा के लिए मौसम खेती परामर्श सेवा झारखंड के लगभग सभी जिलों में कार्यरत है। हमारे यहाँ पुराने समय से निश्चित समय में निश्चित फसलों के लगाने की परंपरा रही है, परंतु पिछले कुछ वर्षों से मौसम में बहुत बदलाव आया है, जिससे फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार मौसम के अनुरूप खेती करने से उपज अच्छी प्राप्त की जा सकती है, इसलिए राज्य में मौसम खेती परामर्श सेवा शुरू की गई है, जिससे किसान भाइयों को अगले 5 दिन के मौसम पूर्वानुमान के साथ मौसम आधारित विभिन्न कृषि कार्यकलापों की जानकारी एक बुलेटिन के रूप में दी जाती है। आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा समाचार पत्रों द्वारा इस बुलेटिन की जानकारी किसान ले सकते हैं। आम के नए बाग लगाने के इच्छुक किसानों के लिए आम के उत्तम प्रभेदों का चयन बहुत ही जरूरी होता है, तभी प्रत्येक वर्ष फल मीठे अच्छी मात्रा में और जल्दी आए। मिठुआ, बम्बई, दशहरी, मालदा और गुलाब खस ऐसे ही आम के उन्नत प्रभेद हैं। इन किस्मों को लगाकर बगान मालिक कई वर्षों तक आम की अच्छी उपज ले सकते हैं। मिठुआ, बम्बई, दशहरी, मालदा और गुलाब खास ऐसे आम के उन्नत प्रभेद हैं, जिसे लगाकर बगान मालिक वर्षों आम की अच्छी उपज पाकर लाभान्वित हो सकते हैं। इन प्रभेदों को लगाने के लिए गड्ढा तैयार करने जैसे कार्य अप्रैल मई से शुरू कर देना होता है। साटा, चश्मा एवं बीज द्वारा इनके पौधे तैयार कर जून से अगस्त तक रोपाई कर देनी चाहिए। गोबर खाद के साथ अन्य उर्वरकों के इस्तेमाल एवं उचित कृषि कार्यों को करके प्रतिवर्ष प्रति हेक्टेयर में लगे आम के वृक्षों से 40 से 50 हजार रुपए तक कमाई की जा सकती है। किसान
खेती बाड़ी में बहुत सारे हस्तचालित, पशु चालित और ट्रैक्टर चालित यंत्र का उपकरण हमारा सहयोग करते हैं। ये कृषि उपकरण हमारा साथ ज्यादा दिनों तक दे सके, इसके लिए इनकी देखभाल बहुत जरूरी होती है। कुछ छोटी मोटी बातों पर ध्यान देकर इन उपकरणों की आयु बढ़ाई जा सकती है। कृषि में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की उचित रूप से देखभाल या संरक्षण बहुत जरूरी होता है। जैसे यंत्रों को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, यंत्रों के नट बोल्ट काम शुरू होने से पहले और बाद में कस लेना चाहिए। आवश्यक भागों में तेल या ग्रीस समय समय पर देना चाहिए। फल वाले यंत्रों की धार और हैंडल ठीक प्रकार से कसे होने चाहिए। जंग से बचाने के लिए यंत्रों को मोबिल, ग्रीस इत्यादि लगाकर रखना चाहिए। इस प्रकार देखभाल करें तो ये यंत्र अधिक समय तक कृषकों का साथ दे सकते हैं। हाथों से मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग करने में बहुत समय खर्च होता है। इसी कार्य को ग्राउंड नट डिकोडिकेटर के द्वारा करने से कृषक अपना समय और श्रम दोनों बचा सकते हैं। इस उपकरण को ग्राउंड नट डिकोडिकेटर कहते हैं। इसकी सहायता से मूंगफली के दानों को छिलकों से आसानी से अलग किया जा सकता है। एक साथ कई मजदूरों का काम अकेले करके यह उपकरण एक दिन में 2.5 से 3 क्विंटल मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग करने में सक्षम है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। आइए अब मिलते हैं एक प्रेरणा स्रोत किसान से। आधुनिक खेती बाड़ी द्वारा अच्छी फसल उपजाने में माहिर इस किसान ने कुछ इस तरह अपने अनुभव हमसे बांटे। आज ये जो शख्स हमसे मुखातिब हैं, लोगों का कहना है कि ये जो भी सब्जी या किसी अन्य फसल लगाते हैं वो अच्छी उपज देती ही है। इस विषय पर पूछने पर ये बताते हैं कि फसल लगाने से पहले वे फसल के बारे में सारी चीजों का विश्लेषण करते हैं और तभी काम करते हैं। खेती करने से मतलब अच्छा बेनिफिट है, कम समय में अच्छा खेती होता है। इस विधि में करने से पानी की लागत कम है, खाद की लागत कम है, मेहनत कम है, इसमें लेबर बहुत कम ही लगता है। और इस विधि से करने से यही फायदा हो रहा है हम लोग को कि अपना परिवार में ही सब कोई मिलजुल के कर लेते हैं, वैसा मजदूरी लगाना नहीं पड़ता है। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। बाजार जानकारों का मानना है कि इस सप्ताह में आवक और बिकवाली सामान्य रही, इसलिए खाद्यान्नों के भाव में कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिला। हालांकि अद्यतन जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों आलू के आवक में कमी की वजह से कीमत में तेजी आ गई है। वहीं कुछ प्रमुख खाद्यान्नों के भावों पर नजर डालें तो वे आज इस प्रकार रही। गेहूं न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 1500 रुपए, चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए, आलू न्यूनतम 1100 रुपए से लेकर अधिकतम 1200 रुपए, सरसों तेल न्यूनतम 1200 रुपए से लेकर अधिकतम 1300 रुपए रहा। और अब एक नजर राज्य के 4 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 4 प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस तथा हजारीबाग का तापमान अधिकतम 32.3 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। वाह मास्टर साहब, ये तो रहला कृषि समाचार और कृषि से संबंधित सब जानकारी हमके लागे लग किसान भाई मन के मिल जाए। लेकिन हमरे तो अखन जे बात करे जाती होली के अखन बीतबे कर रहे, अखन सब रंग में सारा बोल रहे हो भाई किसान मने। और उम्मीद है कि अब किसान मने सोचत हो कि एक गर्मी कर मौसम में बढ़िया से एकदम अच्छा से खेती या तो पशु मन कर देखभाल कर। अच्छा तो क्या परतु आज हम लोग
पशुपालन पर ही बातचीत करें। बिल्कुल जी, एक बात कह खोजब हम, लेकिन कि आगे जानकारी बढ़ाए पहले किसान मन भी शायद चाहबे और हमरे तो चाहबे करब कि एगो विराम ले लेवल जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो भाई किसान भाइयों, कृषि दर्शन में आज हम लोग पशुपालन पर बातचीत करेंगे जरूर, लेकिन इस छोटे से विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा कर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, विराम कर बाद देखो या मना के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हमरे बात करत रही कि पशु से संबंधित कोनो जानकारी आज लेवल जाए, पशुपालन से संबंधित। हाँ, और हम तो पूछा भी कर बारे चलो काल की परतु कर माने परेशानी होए ला दीदी। हाँ, ये तो हमेशा एकदम याद है। तो अब तो भाई बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है परतु? बात है ना मास्टर जी की, अखन सेम्बर कर फूल तो फूलत और अखन मुर्गी मन में देखा थी कि बीमारी भी आवे लागे। अच्छा, अच्छा, खास करके तो उकर छुआ मन में जो चूजा हुआ है ना, उकर में बहुत जोर बीमारी हुए लागे। उकर देखभाल कैसे करें किसान मन? भाई देखो, ये तो बहुत ही सही सवाल है और बहुत सही समय पर है। किसान भाइयों, जैसे ही गर्मी की शुरुआत होती है खास करके हमारे मुर्गी के चूजों की विशेष देखभाल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मौसम बदलता है, गर्मी आती है और नन्हे नन्हे नाजुक से चूजे इनको कैसे सह पाएंगे, कौन कौन से आपको उपाय करने पड़ेंगे, कौन कौन सी बीमारियां इनको लगती हैं, इसके बारे में जानकारी तो जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ, तो पर्वतिया जी, हम लोग जानकारी के लिए अपने विशेषज्ञ के पास चले। हाँ, और हमारे जानकारी लेवे थे डॉक्टर डी रॉय से और जाना थी कि कैसे अपन मुर्गी का चूजा का देखभाल करल जाए। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र हॉली क्रॉस में है, हॉली क्रॉस हजारीबाग में है, और हमारे साथ हैं डॉक्टर डी रॉय। ये हमें जानकारी देंगे कि चूजों की देखभाल कैसे की जाए। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने विषय चुना है कि चूजों की देखभाल कैसे करें, यानी कि चूजे जो छोटे होते हैं उसकी शुरुआती तरीके से बढ़वार तक हाँ कैसे देखभाल की जाए, इसकी जानकारी दें। नमस्कार किसान भाई, और चूजों का जो है, एक दिन का चूजा आता है हैचरी से, तो इसकी देखभाल जो है ना कैसे करते हैं, तो इसके लिए जो है एक दिन के चूजा पहले तो यातायात की व्यवस्था जो है ना उस समय इसका ये करते हैं कि जाड़ा का दिन है तो ठंड से बचाना चाहिए, गर्मी का दिन है तो गर्मी से बचाना चाहिए क्योंकि ठंडा में यातायात करते हैं, बरसात का मौसम है तो पानी से बचा कर जो है ना इसका यातायात करते हैं। ध्यान रहे कि चूजा फार्म में जो है सुबह में पहुँच जाए, चूँकि दिन भर जो है ना उसकी गतिविधि देखनी पड़ती है कि किस तरह से जो है ना चूजा यहाँ पर फार्म में पहुँच रहे हैं, तो क्या उसमें किसी तरह का स्ट्रेस वगैरह हुआ है या डिहाइड्रेशन हो गया है, निर्जलीकरण जिसको कहते हैं, यातायात के दौरान जो है ना निर्जलीकरण अक्सर चूजों में हो जाता है, जो फार्म में आने के बाद जो है
वो झुंड में जहाँ तहाँ दस पाँच के इकट्ठा जो है ना हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं और उसके बाद उसमें मृत्यु दर ज़्यादा होने लगती है। तो चूजा आने के बाद सबसे पहले तो घर की तैयारी कर लेते हैं, रूम में जो ब्रूडिंग रूम होता है जहाँ पर चूजों का लालन पालन करते हैं, तो उसमें जो है ना इस तरह से तैयारी करते हैं, जो चारों तरफ से बीच में नीचे लीटर बिछा के उसके ऊपर अखबार बिछा देते हैं या मोम का पेपर बिछा देते हैं, उसके ऊपर में जो है ब्रूडर लगा देते हैं। ब्रूडर मतलब फोस्टर मदर जिसको कहते हैं, जिसके नीचे बच्चा जो है ना रहता है सर, ठंड लगता है तो उससे बचता है सर। इसके ब्रूडर में जगह की आवश्यकता होती है 8 वर्ग इंच एक चूजा के लिए, उस हिसाब से जो है ना चूजा उस डालते हैं। उसके बाद ब्रूडर के चारों तरफ जो है ये ब्रूडर गार्ड लगाते हैं, टीन का चदरा का रहता है जाड़ा के दिन में, गर्मी के दिन में जो है जाली का रहता है। जाड़ा के दिन में ब्रूडर से 26 इंच की दूरी पर चारों तरफ लगाते हैं और गर्मी में जो है जाली वाला 36 इंच की दूरी पर ब्रूडर से ब्रूडर गार्ड लगाते हैं। उसके बाद जो है चूजा लाने के बाद चूजा का पहला दिन जो है दवायुक्त पानी देते हैं। दवायुक्त पानी में क्या देते हैं कि सबसे पहले तो निर्जलीकरण से बचाने के लिए ग्लूकोज पाउडर 100 ग्राम 1000 चूजा के लिए और 200 ग्राम दूध मिल्क पाउडर जो आता है बाज़ार में उपलब्ध है, 200 ग्राम प्रति 1000 चूजा के लिए जो है ना देते हैं पीने के पानी में। चूजा 100 यदि चूजा आपके पास है तो उसमें जो है 2 लीटर पानी लेते हैं पहला हफ्ता यदि उम्र है चूजा का, तो उसमें मिला के और उसके बाद जो है उसमें विटामिन ए और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो बाज़ार में उपलब्ध है तो उसको जो है ना सिर्फ 10 ml से 20 ml तक जो है ना प्रति 100 चूजा की दर से मिला के। और दूसरा चीज़ इसमें एक दवा है सिप्राफ्लोक्सिन जो पानी वगैरह में जो छूत लगता है ईकोलाई वगैरह का, चूँकि अक्सर इसमें ज़्यादा ईकोलाई का छूत लगता है कुआँ वगैरह का पानी जो लोग किसान इस्तेमाल करते हैं, तो सिप्राजोल पाउडर आता है या सिप्राफ्लोक्सिन या टिनिंडाजोल, तो उसको जो है 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के 3 दिन तक इसको जो है देंगे लगातार शाम सुबह, तो उससे जो है दूध पाउडर और ग्लूकोज से चूजा को तुरंत ताकत मिलता है जिससे निर्जलीकरण दूर हो जाती है और उसके बाद जो है ये चूजा मरता नहीं है और ये इससे बचाव हो जाता है ईकोलाई से। यदि ये नहीं आप दे सकते हैं किसान भाई तो इसमें जो है आप ये सिरका होता है, सिरका 3 ml 1 लीटर पानी में और गुड़ 150 ग्राम 100 चूजा के लिए मिला के पानी में घोल के इसको 3 दिन तक चलाते हैं, इससे प्रतिरक्षा जो है ना विकसित होता है चूजों में। उसके बाद जो है चौथा या पांचवा दिन या छठा दिन इसमें एक बीमारी होता है मुर्गी में रानी खेत रोग RD जिसको बोलते हैं या न्यू कसस डिजीज, देहात में इसको बोलता है लोग ये टुंडकी झुपनी उंगनी। हाँ तो डॉक्टर साहब यहाँ पर हम आपको रोकना चाह रहे हैं, सही है, अभी तो रोग पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अभी आपने जब छोटे चूजों की बात की, जो आपने लीटर शब्द एक प्रयोग किया जी, तो छोटे चूजों के लिए लीटर हमारे किसान भाई कैसे तैयार करें इसकी जरा जानकारी विस्तृत रूप से दें जी। लीटर ऐसा है जिसको बिछाउन कहते हैं, ये जो पालन है डीप लीटर सिस्टम में ब्रॉयलर को पालते हैं, तो पालन में जो है डीप लीटर सिस्टम में मोटा बिछावन बनाते हैं, जैसे हम लोग की ज़रूरत होती है बिछावन उस तरह से जो है ना इनमें भी बिछावन की ज़रूरत होती है। बिछावन जो बनाते हैं धान के भूसा का बनाते हैं या लकड़ी के बुरादा का बनाते हैं या गर्मी के दिन में बालू के रेत के भी बना सकते हैं, कुट्टी के पुआल के बना सकते हैं, भूसा के बना सकते हैं या पत्ता वगैरह का भी जो है ना ये करके, लेकिन सबसे बढ़िया लकड़ी का बुरादा या धान के भूसा का होता है। इसमें इसका जो है सूखा रहना चाहिए लीटर जो है बिछावन जो है सूखा रहना चाहिए। जाड़ा के दिन में जो है ब्रॉयलर के लिए आपको 6 इंची मोटा रखते हैं, गर्मी में 3 इंची रखते हैं, बरसात में 4 इंच मोटा रखते हैं ये बिछावन को। यदि बिछावन का pH भी जो है ना इसमें बहुत ज़रूरी है कंट्रोल करना, नहीं तो बाद में अमोनिया गैस का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है जिससे जो है ना मुर्गी में बीमारी होती है CRD हुआ दीर्घकालीन श्वास रोग, तो इसलिए उसका pH ठीक करते हैं। pH ठीक करने के लिए हालांकि ये जो लीटर वगैरह को सूखा रखते हैं, चूँकि ज़्यादा नमी होने से जो है ना उसमें यूटेरिक बैक्टीरिया वगैरह का वर्क ज़्यादा शुरू हो जाता है जिससे अमोनिया गैस बनने लगता है, तो pH कंट्रोल करने के लिए इसमें आपको सिंगल सुपर फास्फेट जो हम लोग
प्रयोग करते हैं उर्वरक के रूप में खेत में, तो वो चीज़ जो है ना उसमें मिला देते हैं 900 ग्राम प्रति 100 स्क्वायर फीट के दर से जो है ना उसमें मिला के, और इसको पीएच कंट्रोल करेंगे तो अमोनिया गैस नहीं बनता है। और बिछावन जो होता है सूखा रहना चाहिए, इसका देखभाल इस तरह से करते हैं कि प्रत्येक 3 दिन में एक बार उलट पुलट देना चाहिए, और जहाँ भींग गया है पानी से वहाँ पर जो है वो निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। तो लीटर की व्यवस्था तो इस तरह से करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि चूजा आने के पहले जो है जहाँ पर ब्रूडिंग करेंगे, जहाँ पर चूजा रखेंगे, तो वहाँ का रूम का टेम्परेचर वो मेंटेन करते हैं। वहाँ पर जो है पहले तो ब्रूडर लगाते हैं, तो ब्रूडर का तापमान जो है पहला हफ्ता 95 डिग्री फारेनहाइट रखना है, चाहे जाड़ा हो या गर्मी हो या बरसात हो। अच्छा। दूसरा सप्ताह 90 डिग्री, तीसरा सप्ताह 85 डिग्री, चौथा सप्ताह आपको 80 डिग्री फारेनहाइट रखते हैं ब्रूडर का तापमान। उसके बाद जो है आप कमरा का तापमान जो है 75 से 80 डिग्री फारेनहाइट रखते हैं। ऐसा तापमान रखने से क्या होता है कि चूजा सही सलामत रहेंगे, तो पानी वगैरह ज़्यादा पीते हैं। पानी पीने से क्या है कि आजकल एक बीमारी चला हुआ है गॉट बीमारी, चूँकि वो यूरिक एसिड का जो है ना वो जमाव हो जाता है जिससे चूजा वगैरह मरने लगता है सब, तो उसमें क्या है कि पानी ज़्यादा पिएगा चूजा तो ये बीमारी नहीं होगी। अदरवाइज़ ये ठंड का मौसम है, पानी ठंडा रहेगा, कमरा का तापमान सही नहीं रहने से पानी ठंडा हो जाता है, जिसके कारण जो है वो पानी नहीं पिएगा तो गॉट बीमारी हो जाएगा। चूँकि आजकल दाना जो बन रहा है बहुत उच्च क्वालिटी का बन रहा है, हाई प्रोटीनियस दाना बन रहा है, तो दाना जब खाएगा चूजा वगैरह तो पानी नहीं मिलने के कारण जो है वो दाना का मैंने पाचन बढ़िया से नहीं हो पाएगा, और वो जो है ना यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जिसके कारण जो है बीमारी होता है गॉट। तो ध्यान रहे किसान भाई कि चूजा को पानी पीने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके लिए क्या है कि सही तापमान मेंटेन करना जरूरी है, इससे चूजा जो है पानी आपका पिएगा और गॉट बीमारी नहीं होगा, अन्यथा जो है जी। अब जैसा कि अभी आपने बताया कि जो खाना जो है जिसमें कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, जी जी, तो दूर दराज जो हमारे किसान भाई हैं जो वो जो जहाँ से बाज़ार से खाना नहीं ले सकते हैं, तो अपने घर में चूजों के लिए कैसे खाना तैयार कर सकते हैं? नहीं, इसमें ऐसा है कि किसान भाई जो देहात में हैं काफ़ी, तो उनको दाना तैयार करने के लिए जो दाना का सामग्री है वहाँ पर उनको नहीं मिल पाता है, चूँकि ये 1.5 महीना में ही जो है ना ये ब्रॉयलर तैयार हो जाता है, तो हाईली प्रोटीनियस दाना चाहिए या कुछ इस तरह का फैक्ट्री का बाय प्रोडक्ट वगैरह होता है, तो जिसका जो है ना आजकल दाना में प्रयोग किया जा रहा है जो लो कॉस्ट का, और किसान भाई यदि बाज़ार से खरीद के खुदरा बनाएंगे दाना तो थोड़ा महंगा पड़ता है। तो चूँकि और एक चीज़ इसमें होता है, इसके दाना में जो है ना बहुत उच्च क्वालिटी के सामग्री की ज़रूरत होती है, अन्यथा जो है ना उसके दाना में सामग्री में जो है वो फफूंदी लग जाता है जिसको अफ्लाटॉक्सिन कहते हैं। अफ्लाटॉक्सिन बहुत खतरनाक होता है, जहर जो है ना वो खाने से क्या होगा बीमारी होता है। अंडा देने वाली मुर्गी में तो 0.2 ppm से ऊपर बढ़ेगा तो अंडा का उत्पादन जो है कम हो जाता है। अच्छा जी, उसमें ऐसा है कि अंडा का उत्पादन कम हो जाएगा। ब्रायलर में थोड़ा सा टॉलरेंस कैपेसिटी ज़्यादा होता है, फिर भी ग्रोथ रेट पर बुरा असर पड़ेगा। या दूसरा बीमारी होता है एस्परजिलोसिस, एस्परजिलोसिस से जो है ना वो मृत्यु होने लगता है चूँकि दाना में फफूंदी लग जाएगा। तो इसमें उच्च क्वालिटी की सामग्री चाहिए जिसमें कि फफूंद नहीं हो। केक वगैरह का जो इस्तेमाल करते हैं खल्ली का, तो उसमें चूँकि तेलीय रहता है तो उसमें बहुत तेज़ी से फफूंद लगता है, तो डीआइल जो रहता है बिना तेल के जो रहता है खल्ली उसका प्रयोग किया जाता है, उसको भी जो है ना वो ट्रीटेड करके दाना बनता है। तो किसान भाई ये है कि छोटा एथी में जो है ना आप करेंगे तो ये सब थोड़ा सा ये रहता है, तो उसके लिए प्रशिक्षण लेना ज़रूरी है। प्रशिक्षण ले कर जो है वो बना सकते हैं जी, अन्यथा बाजार से ले। पहले वो प्रशिक्षण ले ले, देख ले कि किस तरह से बनाते हैं, किस तरह का सामग्री होना चाहिए, तब वो बना सकते हैं और बना के अपना चूजा को देंगे तो सस्ता पड़ेगा उनको जी। इसके अलावा हम जो चूजे हैं, अभी तो खान पान की बात हो गई, इसके अलावा कौन से बारीक बातों पर ध्यान दें जिससे चूजों का बढ़वार जल्दी हो और अच्छा हो? इसमें जो है ना अभी तो आपको हम बता ही रहे थे कि चूजों का लालन पालन कैसे करते हैं, चूँकि तापमान सही मेंटेन करना रहता है 10-15 दिन तक, चूँकि 4 दिन के
बाद चूजा जो आता है उस समय इसके शरीर का तापमान होता है 104.5 डिग्री फारेनहाइट, वैसे सामान्य रूप से जो मुर्गी वगैरह में तापमान होता है 109.9 डिग्री तक जो है ना फारेनहाइट तक होता है। तो उतना बढ़ने में जो है इसको 10 दिन समय लगता है और 4 दिन के बाद जो है ना बढ़ता है तापमान। तो 4 दिन के बाद बढ़ता है, 10 दिन समय लगता है, तो 14-15 दिन जो है समय लग जाता है। तो 15 दिन ब्रूडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है इसमें चूजों का देखभाल करना, चूंकि ठंड के दिन में वैसा तापमान यदि कम देंगे तो क्या होगा कि मान लीजिए कि चूजा मरा नहीं लेकिन शारीरिक वृद्धि कम हो जाएगी और दाना ज़्यादा खा लेगा, तो इससे जो है जो दाना रूपांतर अनुपात जो है बढ़ जाएगा और वजन जो है कम हो जाता है, तो लागत खर्च बढ़ जाता है, पालन में जो है लागत खर्च बढ़ जाएगा तो आपका आमदनी जो है कम हो जाएगा। इसलिए तापमान सबसे बड़ा जो है ना ज़रूरी होता है मेंटेन करना, इसको जो है ये 15 दिन बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जी, तो कम से कम जो है इस तरह से जो बताया, पहला हफ्ता 95 डिग्री फारेनहाइट, दूसरा हफ्ता 90 डिग्री फारेनहाइट, तीसरा हफ्ता 85 डिग्री फारेनहाइट, चौथा हफ्ता जो है 80 डिग्री फारेनहाइट, ये टेम्परेचर मेंटेन करना ज़रूरी होता है, इससे सही ग्रोथ होता है, पानी वगैरह काफ़ी पीता है सब चूजा, गोट बीमारी नहीं होगा आपका। और इसके बाद जो है पांचवा दिन जो बता रहे थे या एक हफ्ता के अंदर में जब भी समय मिले किसान भाई, तो इसको रानी खेत रोग जो बता रहे थे आपको, इसका टीका बाजार में उपलब्ध है। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी चूजों की देखभाल के बारे में। डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और किसान भाइयों इसी के साथ लेते हैं विदा, जोहार। वाह मास्टर जी, वाह पर्वत्या दी, ये तो बहुत बढ़िया रहा लग। हमारे का विशेषज्ञ जब बताए ना इतना बढ़िया से एकदम विस्तार से कि कोई बात छूटे ना ना, एकदम खुल के बताए ना नहीं कि कैसे कैसे छुआ मन के जैसे झुपझुपनी लगे चूजा मन के जैसे ऊपर में अथी चेचक दाग टाइप कर हो जाए ना, उस सब बीमारी से कैसे छुटकारा मिले। देखिए भाई, देखिए किसान भाइयों, आपके साथ साथ आज परतून में बहुत ध्यान से कार्यक्रम को देखा है और एक एक बारीकियों पर उसने पूरा ध्यान दिया है। तो भाई परतु, अब और क्या तुम्हारी परेशानी है बताओ? अब तो परेशानी तो यह है कि घर बटे जाएगा। हाँ भाई, किसान भाइयों, चूंकि आज चूजों से संबंधित बातचीत की तो काफ़ी समय हम लोगों का इसी में चला गया और अब कार्यक्रम समाप्त करने की बेला आ गई है ना पर्वतिया जी। सही कहती मास्टर जी, लेकिन किसान भाई मन के एक बात कहे है कि जैसे रौरे अखन चूजा पालन और मुर्गी पालन के बारे में देख ली, अगर इकरे से संबंधित या औरों को विषय से संबंधित कोई जानकारी रौरे जाने खोजत थी, चाहे अपन को परेशानी के हमारे संगे बांटे खोजत थी, तो हमरे के खत जरूर लिखो। बिल्कुल। और अगर आपको चिट्ठी लिखनी है तो आपको हमारा पता भी नोट करना होगा, तो नोट कीजिए हमारा पता, कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों इसी के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं पर देते हैं विराम, है ना। और नए अंक में नई जानकारियों के साथ हम तीनों फिर से हाजिर होंगे और आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए हम सभी को अनुमति दीजिए। जोहार।